अब बारी है पटाखे फोड़ने की। तो मेरे हाथ में रॉकेट है, छोटा है और सबसे बड़ा बन गया है। वैसे पापा को टीका लगाना चाहिए था। गाइस हमारा दिमाग, अबे तो तल्ली घूट नहीं, चल कनो जल्दी बेटा। प्रसाद वितरण के लिए जा रहा है भाई साहब। तो भाई दिवाली का प्रसाद आ गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो पे। सुबह के बज रहे हैं 10:30। अभी हम लोग जाएंगे अपनी मेन रोड पे, फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग कबोता, क्योंकि हम लोगों ने ना अदरक मंगाई हुई है अपने काम के लिए। आप लोगों को पता है कि हम लोग स्वरोजगार पे काम कर रहे हैं। आज है दीपावली, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। तो कुछ जगह दीपावली तो कल मना ली है और हमारे गाँव पर आज मना रहे हैं, तो हम लोग आज सेलिब्रेट करेंगे। सुबह से हम लोग लगे हुए थे सफाई पे, और जब भी हम लोग सफाई पे लगते हैं ना, बिल्कुल ब्लॉक करने का टाइम नहीं होता है। शैतानी का दूसरा नाम होशियार। बच्चे बहुत शैतान है भाई, इसे शीशे देना कर दिए भाई। देखो ये देखो, ये शैतान बच्चे हैं ना, शीशा देना कर देते हैं भाई। तभी तो यहाँ अनसेफ रहती है गाड़ी। तो हम लोग आरक्षित अदरक लेने के लिए गाड़ी हमने रोड पे खड़ी कर दी है। अभी भैया तो आए नहीं है, हम लोग ऐसे एक फार्म पे आए हुए हैं। यहाँ पे ना भैया ने बहुत सारी मेहनत की हुई है, तो हम लोग उनसे डिस्कस कर रहे थे लेमन ग्रास के बारे में। पौधा है ना भाई, ये है लेमन ग्रास का पौधा। जिन लोगों को ग्रीन टी के बारे में जानकारी है ना, वो इस पौधे को पहचान लेंगे। तो हम लोग इसकी खेती भी करवाएंगे, और जो किसान ये खेती करते हैं ना, हम उनसे ये चीज़ परचेज करेंगे। साइड पूरा धनिया हो रहा है, और इधर पूरी मेथी लगा रखी है, इधर मूली, इस साइड देखा भाई, इस साइड पूरा लहसुन हो रहा है भाई। देखो पूरा लहसुन हो रखा है, यहाँ पर गोभी लगाई हुई है, सारी खेती भाई। कहते हैं कि गांव में कुछ नहीं है, देखो कितनी सारी चीज़ें रखी हैं यहाँ पे। गौशाला है पूरी तरह, चारों तरफ खेती हो रही है भाई। ये जो है ना छोटे छोटे प्याज के पौधे हैं, उस टाइम में प्याज बड़े हो जाएंगे, तो इसको एक जगह दूसरी जगह लगा देंगे। इस वाले खेत पे शायद जहाँ तक सरसों होगी, तो यहाँ पे अदरक हो रही है। देखो सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। जिसको मैं आपको गौशाला बोल रहा था ना, ये गौशाला नहीं है, ये पोल्ट्री फार्म है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं भाई मुर्गियाँ कितनी हैं, ऐसे घूम के आते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे दाल भी सूख रही है पूरी। ये भाई राजमा, बस इससे डर लग रहा है, काटे ना। यहाँ पे हो रही है अरबी, और यहाँ पे पूरी अदरक हो रही है। ये देखो पूरी अदरक हो रही है, और हम लोग भी अदरक लेने ही आए थे। ये देखो पूरा पोल्ट्री फार्म बना हुआ है, तो इसके अंदर होंगे मुर्गियाँ। ये देखो भाई, ये अंदर मुर्गियाँ मुर्गियाँ। आजा, अरे मेरे भाई आ गई, कैसे आ रही, आ गई, आजा। डर लग रहा है। ये देखो भाई सारी आ गई हैं, 1, 2, 3, 4 इतनी सारी मुर्गियाँ हैं भाई। वहाँ पे शायद गाय बांधने के लिए है, तो क्योंकि पूरी खूंटियाँ गाड़ रखी है ना। अरे भाई ने चौंच भी मार दी, चौंच मार रही भाई, चौंच मार रही, चौंच देख, चौंच मार रही। हेलो बढ़िया भाई, देखो भैया ने कितनी मेहनत करी है, पोल्ट्री फार्म भी यहाँ पे, और पीछे पूरा खेती करने के लिए। ऐसा कुछ व्यू है, सामने नदी, और ऊपर जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, यहाँ पे घर बना रहे भैया, तो वहीं का काम चल रहा है। अभी आपको वहीं जाके दिखाते हैं। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा सच में, मज़ा आया। अभी हम लोग से बात करते ना, तो बात करते करते उन्होंने बताया कि नीचे मैंने इतनी सारी चीज़ लगाई हुई है, जब आके देखा ना सच में भाई बहुत मेहनत की। तो यहाँ पे खड़ी की है गाड़ी, और अभी चल रहा है घर का काम। कितनी मुर्गियाँ हैं आपके पास? हमारे पास 20 मुर्गियाँ हैं अभी। 20 मुर्गियाँ, ज्यादा थे हमने बेच दिया। अच्छा, ये जितने भी खेत हमने दिखाई थे सारे आपके यहाँ पे? सब हमारा ही है। काफी फसल लगाई आपने तो, कितने टाइम की मेहनत है? 2-3 महीने हो गए। और ये पोल्ट्री फार्म वाला आइडिया? ये तो दो साल पहले से बन रहा। अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है सच में। धन्यवाद। चलो बहुत अच्छा लगा। हम लोग कहते हैं ना कि पहाड़ पे कुछ नहीं हो, देखो भैया को देख के देख लो भाई, मैंने आपको दिखा दिया पहले। तो यही हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग गांव में मेहनत करना चाहते हैं ना, उनको अच्छी मार्केट मिले। तो जो जैसे जो भी हमको मटेरियल मिलेगा ना, उसको हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको हम लोग मार्केट भेजेंगे। सर भैया ने पूरे तेज पत्ते लगाए हुए हैं, तेज पत्ते के तो काफ़ी पेड़ हो गए हैं। 200 पेड़। और भाई भी आ गया अदरक लेके। देखो भाई यहाँ पे बन गए सीढ़ियाँ, मिस्त्री का काम खुद ही कर रहे हैं। मिस्त्री चले गए दिवाली की छुट्टी में, ये काम भी सीख लिया मिस्त्री के साथ रहेगा ना। थैंक यू यार भैया आने के लिए। भाई नाम एक बार? मेरा नाम संजय। आपका नाम? मेरा नाम संजय। चलो बढ़िया। आपका गाँव यहाँ से दूर है, लगभग वहाँ से आने में 1 घंटा तुमको लगा ही होगा। कितना लगा? 1 घंटा लगेगा ना। हाँ, तो पीछे आपको ये वाली पहाड़ी दिख रही है ना, इसकी बिल्कुल जड़ में उस साइड को बहुत। तो थैंक यू यार इतनी दूर से यहाँ आया। तीस किलो अदरक है यार, इसे 5 किलो हुसैन भाई की है, 25 किलो मेरी है। देखो गाइस यहाँ पे पैर थरथरा रहे हैं, इतना कट्टा यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम तो बहुत पहले आ गए थे, तो चाचा जी आ रखे आजकल घर दिवाली के लिए, तो अभी तो चाचा के बैठा पड़ा था, और बूबू यहाँ पे रास्ता सही कर रहे हैं दीवार बना के। आपको तार दिख रही होगी ना, ये यहाँ पे दिक्कत कर रही थी घर के लिए, तो यहाँ पे बिजली का खम्भा गाड़ने की तैयारी चल रही है, उसके लिए गड्ढा खोदा गया है। ये वाला जो आपको पोल दिख रहा है ना, ये यहाँ पे लगेगा। अपना खाना पीना कंप्लीट करके वापस में आ गया हूँ। मेरे हाथ पर आपको पन्नी दिख रही होगी, तो अपना काम किया, जो अदरक नो लेके आ रखे थे उसको सुखाएंगे। तो भाई नाना जी भी आ रखे हैं। ये अपनी पूरी अदरक निकल चुकी है,
इस पे ना भाई मिट्टी बहुत सारी लगी हुई है। अगर 25 किलो अदरक है ना तो ये पूरी 25 किलो होगी नहीं, क्योंकि इसे मिट्टी देखो भाई कुछ इस तरीके से आई है। ये अगर सूख जाए बाबू अब ना हो 25। अपनी अदरक धूप पे डाल दी है तो इस पे ज़्यादा पुरानी अदरक नहीं थी, बस इतना से तो आपको दिख रहा होगा, ये 3-4 अदरक पुरानी वाली थी, बाकी सारी नई वाली है। बस इसमें कुछ बहुत मिट्टी आ रखी है, जिन भैया से हमने अदरक ली थी उनने आज सुबह ये खेत से निकाल रखी है, तो इसलिए मिट्टी गीली दिख रही है। अब इसको 2-3 दिन सुखाते हैं, उससे क्या होगा सारी मिट्टी गिर जाएगी और जो वेस्टेज होगा वो अलग हो जाएगा, बाकी जो प्योर अदरक होगी वो हमारे निकल जाएगी। फिर हम लोग इस अदरक का क्या करेंगे वो आपको आगे को देखने को मिलेगा। ये करीब हो रहे हैं 3:30 और अभी जाके अपना सफाई वाला काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो रखा है, अभी पूरा ख़त्म नहीं हो रखा है, क्योंकि जो हमने कूड़ा का वाड़ा वहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है उसको थोड़ा दूर फेंकना है, बाकी सफाई हो गई है छत की भी, आंगन की भी, कमरों की भी, और जो मंदिर बना था मंदिर भी हमने अपना घर वाला बना लिया। तो अभी धूप जा चुकी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये अदरक हम लोगों ने धूप पे डाली हुई थी ना इसको वापस से कट्टों में पैक कर दे रहे हैं। इसमें देखो मिट्टी आपको दिख रही होगी थोड़ी बहुत, और जो गीलापन था वो थोड़ा बहुत कम हो रखा है, इसको जब हम लोग 3-4 दिन सुखाएंगे ना तब जाके प्रॉपर अच्छा होगा। अभी होशियार भाई और मैं जा रहे हैं कुशलदा के घर पे, तो वहाँ पे भतीजे का जन्मदिन है ना, तो वहाँ पे हमको इनवाइट किया हुआ था। इसको बकरी लेके आनी है और मैं संतरा लेके आ गया है, चल जल्दी चल वापस आना भी है। अभी संतरे का जो टेस्ट है ना खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है। फिर दिवाली अम्मा धन्यवाद अम्मा, की करना अम्मा धन्यवाद धन्यवाद। पंकु भाई के बिल्लू आजा, बिल्लू आजा आजा आजा, ले कितनी सुंदर सी बिल्ली, ये भाग गई। इतना अच्छा अवसर है, महालक्ष्मी पूजन भी है, भैया का बर्थडे भी है, सब लोग यहाँ पर आए हैं। हाय, हेलो हेलो, ये है आज 1 साल का हो गया है, ये देखो अभी केक कट हो रहा है तो सूट करते हैं। तो हम लोग बर्थडे में से नमकीन लेके आए थे, खाते खाते आ रहे हैं क्योंकि हमको घर जल्दी जाना है। हमने साथ में बिल्ली को भी दे दिया भाई, बिल्ली भी खा रही है, देखो ये ले 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 इधर। अरे भाई टप्पी टप्पी हाथ मार गया, ये लो भाई बकरी भी हाथ मार रही है, लक्कू इतनी अच्छी है भाई ये सच में, देखो कितनी प्यारी सी है, बिल्कुल वाइट कलर। अभी हम लोग घर पे आ गए तो बर्थडे पे तो भी डांस चल रहा है, हम लोग रुक जाते ना, पर आज दिवाली का दिन है तो घर पे बहुत सारी तैयारी करनी, अगर पूजा नहीं होती तो हम लोग जन्मदिन पे रुकते थोड़ा डांस भी करते, पर घर जल्दी जाना था इसलिए जल्दी गए और जल्दी से आ गए। शाम के 5:41 और अभी पूरी शाम होने वाली है, तो अब तैयारी है पूजा की, तो अभी थोड़ी देर में पूजा होगी, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने मंदिर पे, तो पहले मंदिर में पूजा करते हैं उसके बाद जाके घर में पूजा होती है। और आसमान पर देखो भाई पूरे बादल को इस तरीके से हो रखे हैं। तो अपनी मंदिर में जाने की तैयारी पूरी होगी, तो इस पर सारी कैंडल अगरबत्ती सारी चीज़ें और साथ में पटाखे भी हैं, तो सबसे पहले मंदिर में चलते हैं। योगी को देखो भाई मंदिर में जा रहा है, इसको बत्ती जलाना चाहता, रॉकेट जलाने की हो रही है। होशियार भाई मेरे पास तो पटाखा कुछ नहीं है, पटाखे सारे मेरे पास है। सबसे पहले दिया बत्ती जलाते हैं दरवाजे पे, चलो तो हम लोगों ने दोनों मंदिर पे बत्ती जला दी है और अब हम लोग जाएंगे पंचायत घर पे जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे बत्ती जला के आते हैं। अगर पूजा हो रही है और यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, ये फूक फूक मार के इसको फूक इधर उड़ाना है, तो डिग्गू हार चुका है और इसी का डिग्गू लौट रहा है। अपनी दिया बत्ती भी हो गई है तो मंदिर में भी और यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे भी अब बारी है पटाखे फोड़ने की। जाएगा रॉकेट इस बार, क्या जाएगा, पिछली बार तो नहीं किया। तेरे पास क्या है, तेरे से बड़ा तेरा पटाखा है। देखो गाइस डबल फायर होती है, देखते हैं क्या होती है। ये रॉकेट गया भाई, अब इसकी बारी, ये डबल फायर है इसकी। अरे यार क्या उल्टा बम फोड़ेगा, मेरे को लगा हवा में जाएगा, ले जमीन में आके फोड़ेगा वो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, बस बस बस।
हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। तो कुछ बहुत पटाखे बचे हुए हैं, इनको भी फोड़ते हैं। सुतली बम से पूरा धुआं धुआं कर दिया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आग लगा दी। इसकी तीन फायर देखते हैं, हवा में तीन ज्यादा नहीं आती हैं। मुझे ये पिछली बार तो डबल फायर वाला धोखा दे गया। ये देखो गाइस ये कैसा करता है, अभी देखना। तो अब जलेगी घर में बत्ती, और सबसे पहले जलती है दरवाजे पे, उसके बाद आगे हम लोग मंदिर पे जलाएंगे। बत्ती जलाने में लगा हुआ है योगी। एक ऐसा है योगी को बत्ती से कोई मतलब नहीं, तो सिर्फ पटाखे चाहिए बस। भाई दिवाली है, इसका मतलब पटाखे थोड़ा फोड़ने हैं, पूजा भी करनी होती है। ये देखो भाई खुद ही टीका लगा रहा अपने हाथ से। बच रहे बिना नमस्कार बोले इसको आशीर्वाद देना पड़ रहा है। तो ये सबसे छोटा है और सबसे बड़ा बन गया है। वैसे पापा को टीका लगाना चाहिए था, पर ये लगा रहा है। मम्मी की खुशी देख लो। बशर्ते मतलब लगाना घर के सबसे बड़े को चाहिए, पर लगा सबसे छोटा रहा है। नमस्कार मुकुंद तू कल जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेव ओम जय जगदीश ध्यावे पल पावे दुख विन से मन सुख संपत्ति घर आवे धन दौलत घर लावे। तो अपनी पूजा भी होगी है, होशियार भाई की पूजा होगी है, बिल्कुल सेम टाइम पे शंख बजे सेम टाइम पे। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि एक साथ दो सीन शूट किया जाए, और कर लिए मैंने जल्दी से। होशियार भाई ने मंदिर को कितने प्यार से सजा रखा है, देखो ये मास्क करके बिल्कुल। तो देखा सभी की टाइमिंग बिल्कुल सेम है, तीन जगह शंख बजे बिल्कुल सेम टाइम पे। हालांकि डिग्गू के शंख 5 मिनट लेट हो गई है, इतनी 5 मिनट नहीं 2-4 मिनट का अंतर रहा होगा बस। तुम्हारी आधी पूजी थी मैं फूल ला रहा। चल कोई नहीं बढ़िया है, इसका ध्यान अभी पटाखों में होगा ना। पूरी सच बताना पूरी आरती में सोचे इसने, पूरे दिन सिर्फ पटाखे सोचे हैं भाई कि कैसे शाम होते कैसे पटाखे फोड़ूंगा। प्रसाद वितरण के लिए जा रहा है भाई साहब। तो भाई दिवाली का प्रसाद आ गया है, दिवाली की मिठाई प्लस हमारी कंपनी की मिठाई मिक्सेबल। कंपनी की मिठाई कंपनी वाला पड़े तेरे गाँव का कुछ है इसमें। बहुत बढ़िया, तो अभी दिवाली के प्रसाद में केला मिल रहा है। शेरवाई मिठाई लेके आ गए, खुशबू मस्ता रही है। इसी डिब्बे में मैं लेके गया था और इसी वापस लेके आ गए। वापस लेके जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, फिर से प्रसाद आ गया भाई। वही डिब्बा था हमको जो हमारे था शो था, वो तो 6 आ रहे हैं। क्या सोन पापड़ वाले सा हो गया इस बार की गए। मैं कमांडर को दिवाली की मिठाई देंगे, ले बच्चे खा जा, खा ले, बहुत बढ़िया शाबाश। अब बारी है पटाखे फोड़ने की। तो मेरे हाथ में रॉकेट है, 4 रॉकेट और 2-4 फुलझड़ियां, बाकी सारा ले गए भाई। ये गाइस इसका पूरा इस्तेमाल होगा। अबे भाई बेटा बाप रे, कान ऐसे झन्न हो गए ना भाई, इतना गंदा बम है ना भाई, इतना गंदा। तो गाइस यहां पे पप्पू दाजू फोड़ने हैं हम। पप्पू दाजू कैप ले जा ले। क्या फोड़ा मैंने, इतना गंदा फोड़ा। ये देखो गाइस हमारा दिमाग, अबे तो दल्ली घूर में चल कुनो जल्दी बेटा। भाई कितना मजा मजा आया भाई। ये देखो गाइस धुआं धुआं मैं यहाँ बहुत दूर आ चुका हूँ। आप जल आप जल आप जल भाई भुस हो गए। मैं 200 रुपए भुस। लोगों की क्या बात है, लोगों की खुशी। ये देखो इसका शॉट देने के लिए कितने।
ओ भाई साहब अरे खुलबम नत के भरा ले चली हो खुलबम नहाने आ रहा बुझ गया अरे बुझ गया अब फोड़ गया देखा ये अब डब्बा फोड़ेगा पक्का ये देखो भाई धुआं तो एक नहीं यहाँ फोड़ गया अबे गया ये भाई डबल शॉट अबे ये गया अरे पिटांग धुआं धुआं जब तक ब्लॉग बनेगा तब तक फुलझड़ी खत्म हो गई यार सारे पटाखे इनके हाथ है मेरे हाथ अबे भाई अबे यार मेरे हाथ फुलझड़ी है नया बम फूटेगा एक क्या यार अरे भाई ये क्या था ये बड़ा तगड़ा था भाई वंस मोर ये बहुत तगड़ा है ये लंगूर भगाने का काम सही है भाई इसको देख के लंगूर जो भागेंगे ना मजा आ जाएगा मेरे पूरे कान सिंध पड़ गए योगी का बम देखो भाई था छोटा सा बम है पता नहीं कौन सा बम है इसके पास छोटा चिरकुट सा यार नहीं देखो थ्री फायर ले आ गया भाई तेरे लो भाई फूटा आया ना चार हाथ में लंगूर भागेंगे ऐसे मजा आया कान सन्न हो गए तो इस तरीके से कुछ गांव में दिवाली सेलिब्रेट की जाती है जो हम लोगों ने की अभी पटाखे फोड़ रहे हैं भाई देखो इतने पटाखे गिरे हैं तू ढूंढ और फोड़ तो फिलहाल क्या करते हैं इस वीडियो को इतना ही रखते हैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना साथ अबे साले गधे देखो पैर में फोड़ दिया वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना साथ में दोस्तों परिवार के साथ शेयर कर देना सब्सक्राइब कर लो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ब्लॉग पे तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए टेक केयर बाय बाय जय हो जय उत्तराखंड।